ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਰਾਬਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਨਿਲੰਬਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 22 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹੈ। इंस्पैक्टर अमनजोत कौर नूं भ्रिष्टाचार के दोषों तो बाद 17 नवंबर नूं बर्खास्त कर दिता गया सी। 7 दिन बाद उन्हां नूं सराबा नगर पुलिस स्टेशन दे विच एसएचओ दे रूप तो ट्रांसफर किया गया सी। उत्थे ही 10 नवंबर नूं थाना सराबा नगर विच एसएचओ दे रूप दे विच उह तैनात हुए सन। याचिका दे विच यानी कि अपील दे विच इंस्पैक्टर ने दावा किया है कि उसने किसी तो कोई भी रिश्वत नहीं ली। उसने ये भी कहा कि उसके निलंबन तो पहला ही उसनू कोई नोटिस भी नहीं दिता गया या उसनू अपना पक्ष रखन का मौका तक भी नहीं दिता गया। उन्होंने अचानक ही बर्खास्त करन दे दा आदेश दिए गए ने। उन्होंने खिलाफ विभागी जांच भी की गई है। कोर्ट के आदेश तो बाद हुण तक उन्होंने पोस्टिंग है जिहड़ी नहीं दिती गई। इंस्पैक्टर अमनजोत कौर नू 1 साल पुराने मामले दे विच निलंबित कर दिता गया सी जद उह मोहाली दे विच साइबर क्राइम सैल दे विच प्रतिनियुक्त सी। उन्हां दे उत्ते 9 दिसंबर 2021 नूं है जिहड़ा ग्राम सैनी माजरा दे गुरबचन सिंह द्वारा दायर एक मामले दे विच रिश्वत दे रूप दे विच 1 लाख रुपए लए गए सी। हालांकि इंस्पैक्टर ने इस मामले दे विच खुद नूं निर्दोष दस्सिया। बाद विच इस मामले दे विच खुद नूं शिकायतकर्ता दस्सदे हुए एक व्यक्ति का एक वीडियो सोशल नैटवर्किंग साइटां ते भी वायरल हो रहा जिस विच उसने दावा कीता कि इंस्पैक्टर ने मामले दे विच उस तों या किसी होर तों रिश्वत नहीं ली सी। सो एक नवा मोड़ा इस मामले दे विच आ गया। थाना सराबा नगर दी एसएचओ ते रिश्वत दे करप्शन दे भ्रिष्टाचार दे जिहड़े दोष लगे सन उस ते हुण इस अदालत वल्लों जिहड़ा इह नवा फैसला है जिहड़ा सुनाया गया। इस बारे तुहाडी की राय है कमेंट बॉक्स सैक्शन च अपनी राय शेयर करियो।